ये हम लोग जो है समाधान सभा मेला जो बोट क्लब पे लगा हुआ है वहाँ पे हैं, और यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है सीड बॉल का। ये गुलमोहर के सीड हैं, ये मूंगा के हैं, और ये सीड कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं उसके लिए पूरे सीड्स हैं, और मिट्टी भी है, फिर आंवला के सीड हैं और इमली के, और ये बाकी स्टॉल है जो लगे हुए हैं जो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और कैसे पर्यावरण को बेहतर कर सकते हैं उस पर आधारित है। आज आपको दिखाते हैं कैसे सीड बॉल बनाते हैं। तो सीड बॉल बनाने के लिए जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सीड बॉल है। इसमें क्या है, ये आंवले के सीड है। तो ये सीड बॉल जो होता है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे नेचर से हमें क्या मिलता है, मिट्टी। ये हमने मिट्टी ली, और मिट्टी ली तो हम ये देखते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि किचन में जितने आइटम होते हैं, चाहे जीरा हो और चाहे धनिया हो, कुछ भी हो, उसके सीड्स मिल जाते हैं। और जो हम फल फूल सब्जी जो भी लेते हैं उसमें भी सीड्स निकालते हैं जो हम फेंक देते हैं, उन सीड्स को ना फेंक के हम उनको इकट्ठा करें। और जैसे हम ये आंवले की सीड लिए और ये आंवले की सीड पे इसके बीच में डाल दिया, अब इसमें जो है मिट्टी भी है, गोबर भी है, अब इसको प्रॉपर वे पे एक बॉल नुमा बना दिया। बॉल नुमा मतलब एक गेंद जैसे बना दिया। गेंद जैसे बनाने के बाद इसको हल्का सा धूप में सुखा दिया, ज़्यादा नहीं सुखाना, नहीं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सीड बॉल तैयार हो गई। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, पैसे भी नहीं लगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट सीड बॉल का ये है कि हम कहीं पर भी इसको फेंक सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से दूसरी जगह जाना हो, पहाड़ पे है, या कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं बस से जा रहे हैं, तो कहीं पर भी दे देंगे तो जंगल पर भी पेड़ उगाएगा। और इसका बेनिफिट ये है, जैसे सैपलिंग लेते हैं, पौधे लेते हैं, तो पौधे भी 10-50 रुपये के तो मिलते हैं मार्केट में। ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जब फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जब अनुकूल वातावरण होता है, तब जाके ये मिट्टी खुलती है और सीड नीचे आ जाता है, और नेचुरल वे पे प्लांटेशंस होता है, जर्मिनेशन होता है, प्लांटेशंस होता है। तो सीड बॉल इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्लांटेशंस ऑन दिस अर्थ। पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन सीड बॉल से, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्लांटेशन। तो ये है सीड बॉल, और ये हम आपको देना चाहेंगे, ये सीड बॉल। इस पर ये सभी के गुलमोहर के भी हैं, गुलमोहर के हैं, आंवले के हैं, नीम के हैं, और ये इस तरीके से ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें। तो ये आप, थैंक यू। तो अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे सीड बॉल से रिलेटेड, कुछ आप भी अपना व्यूज देना चाहें तो। मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम दिव्या शर्मा है। जी जी, ठीक है, थैंक यू मैडम। जी, पृथ्वी का मूल है बीज। हाँ हाँ, बीज से पंच तत्व जो हमारे हैं जी, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि जी, तो उसमें क्षितिज जल पावक गगन समीरा में पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण जिस पर हम रहते हैं जी मैडम। और आज हमें आवश्यकता है वृक्षों की, पृथ्वी के संरक्षण के लिए जी, जी। तो ये सीड बीज तो उसके मूल का काम कर रहे हैं जी, जी। हम प्रसन्न हुए आपका ये देख करके प्रयास, और ये आगे बढ़े इसके लिए हमारी मंगल का। थैंक यू मैडम। वन थिंग और, कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे क्या रहे हैं, हम अगली जनरेशन को न शुद्ध पानी दे रहे हैं, न शुद्ध हवा दे रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं। और एक कहावत भी है कि व्हेन ऑल द प्लांट्स आर कट डाउन, व्हेन ऑल द एनिमल्स आर डेड, व्हेन ऑल द एयर इज अनसेफ टू ब्रीथ, एंड व्हेन ऑल द वाटर इज पॉल्यूटेड, देन यू कैन नॉट ईट मनी। तब आपको पता चलेगा आप पैसे नहीं खा सकते हो, आपकी जनरेशन पैसे नहीं खा सकती है। आप अपनी जनरेशन को स्वच्छ जल और स्वच्छ पानी दे के ही जाएंगे, पानी हवा दे के जाएंगे, तभी जाके जनरेशन बनेगी। और मैडम वैलेंटाइंस में, वैलेंटाइंस क्या होता है कि अपना एक वैलेंटाइंस में एक ऐसी चीज़ दें जो हमेशा याद रहे, और पेड़ हमेशा याद रहेगा। क्यों सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका बहुत अच्छा सीड बॉल के बारे में जो आपने तैयार करी है, हाँ, ये बहुत अच्छी है सर, आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छी है सर ये, जिससे अपने पर्यावरण और पेड़ पौधे और आगे उगाए जा सकते हैं जो पृथ्वी से नष्ट होते जा रहे हैं। जी सर, जी बहुत, जो आपने कहा कि इनको कहीं से भी थ्रो कर सकते हैं 50 फीट की दूरी पर, तो अपन ट्रेन से अगर इसको जर्नी कर रहे हैं तो अपन खिड़की में से इसको बाहर फेंकेंगे, तो ये भी जंगल में कहीं भी पौधे का रूप ले लेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो क्या है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और मुझे लगता है कि इसमें शासन प्रशासन को भी आपको सहयोग करना चाहिए जी जी, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं जी जी। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे सर सीड बॉल्स को लेके? सीड बॉल्स का जो है आपका प्रयास, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है जी, और मुझे लगता है इसमें सभी लोग को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पृथ्वी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सिंपल तरीका है, बिना कॉस्ट का,
जी। यदि इस तरह की बीमारियों, कोरोना जैसी बीमारियों को हराना है तो हमें इस तरह के सीड बॉल्स का प्रयोग करके और पृथ्वी को फिर से वापस हरा भरा करने का सबसे अच्छा तरीका है ये, और काफ़ी सराहनीय प्रयास है। हम सभी डॉक्टर लोग भी इसमें आगे और आगे प्रयास करेंगे। इसमें मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मिल के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम सर? डॉक्टर अजय जैन बंसल हॉस्पिटल। जी, डॉक्टर अजय जैन बंसल हॉस्पिटल से। ठीक है सर। Thank you.